Good morning class. This is our anaphysio class in which today we will study about the anatomy of the eye. क्योंकि अभी हम sense organ पढ़ रहे थे, हमने ear पढ़ लिया था, तो next जो हमारा topic है वो है eye. तो ये देखिए eye का पूरा structure आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है. आप देखिए तो इसमें सबसे ऊपर आपको मसल दिखाई दे रही है जिसका नाम है सुपीरियर रेक्टस मसल. यहाँ कंजक्टाइवा जो कि कवरिंग है. इसके बाद पीछे के चैम्बर दिखाए गए हैं, पोस्टियर चैम्बर. ये कॉर्निया है आगे की तरफ. पोस्टियर चैम्बर के आगे एंटीरियर चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है. एंटीरियर चैम्बर के पीछे प्यूपल दिखाई दे रहा है. प्यूपल के बाद ये लेंस है जो एडजस्ट होकर के देखने में हेल्पफुल होता है. नीचे की तरफ आयरिस आपको दिखाया गया है किनारे पर. फिर सेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के फाइबर्स हैं यहाँ पर. ये विट्रस चैम्बर है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर चैम्बर होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, दैट इज़ विट्रस चैम्बर. नीचे इन्फीरियर रेक्टस मसल है, ऊपर जो सुपीरियर रेक्टस मसल थी और नीचे की तरफ इन्फीरियर रेक्टस मसल है. ऑप्टिक नर्व जो आई को सप्लाई कर रही है, सेंट्रल वेन और सेंट्रल आर्टरी, जो आर्टरी ये दोनों आर्टरी वेन जो कि आईज को सप्लाई कर रही हैं, ब्लड ले जा रही हैं और डीऑक्सीजेंट ब्लड लेकर के आ रही होती हैं. इसके अलावा फोविया सेंट्रलिस बताया गया है, रेटिना जिसके ऊपर इमेज बनती है, कोरॉइड और स्क्लेरा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आई के अंदर दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है. ये डायग्राम आपको ऐसा कैसा याद कर लेना, एग्ज़ाम के अंदर बनाना है. आई पे क्वेश्चन आता है तो डायग्राम आपको बनाना ही है. अब देखिए इंट्रोडक्शन. भई आई एक सेंस ऑर्गन है, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है जो कि आपको बाह्य वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करता है. क्योंकि आप कोई चीज़ सुन करके समझोगे उससे ज़्यादा आसान होता है किसी को देख करके समझना. ये एक सेंसरी यूनिट है जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टर, सेंसरी पाथवे और एक ब्रेन का सेंटर. रिसेप्टर, सेंसरी पाथवे और ब्रेन का सेंटर. अब ये ब्रेन के सेंटर के साथ में आई कैसे जुड़ी है, और नीचे डायग्राम में दिखाई गई ये दो आईज हैं जो कि जिनकी ऑप्टिक नर्व आगे ब्रेन में जाती हुई क्रॉस ओवर होती है जिससे कि अपन ऑप्टिक काइज्म कहते हैं. फिर ये आगे बढ़ रही है जो कि ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाती हुई लेटरल ग्रैन्यूलोसाइट न्यूक्लियस बना रही है. फिर पीछे की तरफ ये ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है ब्रेन के, जिससे कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती है. आई एक स्फेरिकल शेप की यानी गोल स्ट्रक्चर है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है. ये ऑर्बिटल कैविटी में, ऑर्बिटल कैविटी वो कैविटी है जिसके अंदर आंखें पाई जाती हैं. आंखों को निकाल दो तो आपको गोल खोखली से एरिया दिखाई देगा, तो वो कैविटी है जहाँ पे आई पाई, तो ऑर्बिटल कैविटी में आई सिचुएटेड रहती है. आई की एनाटमी आप देखें, एक्सटर्नल आई की एनाटमी तो देखिए आप देख सकते हैं कि भाई आईब्रो पाए जा रहे होते हैं बाहर काले काले. इसके नीचे आंखें जिसके ऊपर पलके लगे तो जिनको आप आई लैशेज कहते हो. बाद में ये पेपल दिखाई गई है, पेपल के पास आयरिस दिखाई गई है. ये ऊपर की पल के अपर आई लिड जो कि पैल्पेब्रा होती है, पैल्पेट कर सकते हैं. इसके बाद लेक्राइमर कैरेंकल दी गई है जहाँ से आंसू बनते हैं, निकलते हैं. मीडियल कमीशर है ये जॉइंट यहाँ पर जो दिखाया गया है. फिर ये कंजक्टाइवा वाइट कलर का एरिया जिसको स्क्लेरा के ऊपर ये कंजक्टाइवा दिखाया गया है. इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस डिजीज़ को अपन कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं. ये लोअर आईलिड है और ये साइड में जो दिखाया गया वो पैल्पेब्रल फिशर दिखाया गया है. और ये लेटरल कमीशर है, वो साइड नाक के पास में मीडियल कमीशर और किनारे पर लेटरल कमीशर. तो ये एक्सटर्नल एनाटमी है आई की. बाहर से आंख जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही होती है. अब आई के अलावा इसमें कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स है और आई को प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है, तो देखिए एसेसरी ऑर्गन्स में इसमें सबसे पहले ऑर्बिटल कैविटी है
जो कि एक बोनी सॉकेट की तरह होता है, एक हड्डियों का एक सॉकेट है जिसके अंदर आई पाई जाती है, या आप कह सकते हो ये आई का हाउस है और आई को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। दूसरा, इसके अलावा वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको अपन आई के कुशंस भी कहते हैं, या कुशंस द आई, आई को कुशन प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि आई एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है तो छोटे मोटे धक्के से भी उसमें चोट लग सकती है, तो वो ना लगे इससे बचाने के लिए उस पर एडिपोज टिश्यूज के चारों तरफ पाए जा रहे होते हैं। इसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड्स, जहाँ से टीयर प्रोड्यूस होते हैं जो कि आई को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं, और इनका जर्मीसाइडल भी इफेक्ट होता है कि कोई भी जर्म वगैरह आई के अंदर चला जाए। लैक्राइमल ग्लैंड आपको दिखाई भी गई है कहाँ पर है, ये लैक्राइमल ग्लैंड है। और जर्मीसाइडल इफेक्ट क्या है इसका, कि भाई कोई जर्म अंदर चला जाता है तो वो आंसू के थ्रू जो है वो मर जाता है और मर के बाहर निकल जाता है, तो जर्म्स को ख़त्म करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा आईब्रोज जो हैं वो आपको किसी भी तरह के फॉरेन आर्टिकल से बचाते हैं, परस्पायरेशन और लाइट की डायरेक्ट रेज से भी बचाते हैं, ये आईब्रोज का काम है। इसके बाद आईलिड्स, ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं जो कि आई की सरफेस को कवर किए रहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन से ये क्लोज रहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आता है तो रिफ्लेक्स एक्शन से ये क्लोज हो जाते हैं, अपने आप आईलिड्स आंखें बंद हो जाती है। अचानक कोई तेज़ रोशनी आए, कोई आँख कोई चीज़ पास में आ रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, तो आपकी आँख अपने आप बंद हो जाती है, या आईलिड्स की वजह से जो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आई लैशेस से ऑयल सीक्रेट होता है जो कि आईलेट्स को बचाता है एक दूसरे से चिपकने के लिए, आई लैशेज जो हैं वो आईलेट्स को चिपकने से बचाने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑयल्स का सीक्रीशन करते हैं तो आईज चिपक नहीं पाती। कई बार आपने देखा है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आँख चिपकनी स्टार्ट हो जाती है, उसको कहते हैं आँख आना आम भाषा के अंदर, तो उससे आपको ये आई लैशेज ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑयल्स का सीक्रीशन करते हैं, वो ऑयल ढंग से सीक्रेट नहीं हो पाता तो ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है। अब आईज़ में कौन कौन सी मसल्स पाई जा रही होती हैं, तो एक्सट्रेंसिक मसल्स पाई जाती है आई में। ये मसल्स जो हैं वो आई के आउटसाइड लोकेटेड होती है, इसीलिए अपन इसको एक्सट्रेंसिक कह रहे हैं। ये हमारे आई के मूवमेंट्स को, कुछ मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करती हैं, जैसे कि आई बॉल को जो अपन मूव कर रहे होते हैं, आँख को घुमाना, साइड टू साइड घुमा रहे हो, चाहे आई को रोल कर रहे हो, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, आप बिना गर्दन को घुमाए जब आंख को घुमा करके देख रहे होते हैं, या गोल गोल आंख को घुमा रहे होते हैं, तो घुमाने में सहायता जो है आपको एक्सटेंसिक मसल्स करती हैं जो कि आई के चारों तरफ पाई जा रही होती हैं। दूसरी हैं इंट्रेंसिक मसल, ये डायग्राम में बताई गई है, अंदर की तरफ पाई जाती हैं इंट्रेंसिक मसल्स, इनसाइड द आई ये लोकेटेड रहती हैं। ये लेंस को अपनी जगह पर होल्ड करती है और इसकी शेप को मॉडिफाई करने का काम कर रही होती है, आपको दूर का देख रहा है, आपको पास का देखना है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, तो जब ऐसी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं तो आपको अपनी आँखों में थोड़ा चेंज लाना होता है, आपके लेंस की जो प्लेस है उसकी जो शेप है वो थोड़ी बहुत, प्लेस तो खैर नहीं होती पर शेप जो है वो थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो रही होती है, तो उस लेंस की शेप को मॉडिफाई करने का काम जो है आपकी इंट्रेंसिक मसल्स करती हैं। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसके बाद लेयर्स, तो आई के अंदर तीन लेयर्स पाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली आउटर लेयर होती है स्क्लेरा। स्क्लेरा एक वाइड आउटर लेयर है आई बॉल की, ये काफ़ी टफ होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी होती है जो कि आई बॉल की स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने का काम करती है। वाइट आउटर लेयर है, टफ होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि आई बॉल की स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर रही है। इसी से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है आपका कॉर्निया, ये स्क्लेरोटिक कोट का ही एक पार्ट होता है। स्क्लेरा तो आउटर लेयर है और स्क्लेरोटिक कोट का एक पार्ट होता है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ये आई बॉल का फ्रंट पार्ट है जिससे कि लाइट वेव्स पास होती है, और कॉर्निया आँख की वो जगह है जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती पर नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। कॉर्निया ब्लड वेसल्स नहीं होती पर नर्व एंडिंग्स होती है, फ्रंट पार्ट बना रही है आपके आई का, स्क्लेरोटिक कोट का ये पार्ट है, इसमें से लाइट वेव्स पास होती हुई आती है। इसके बाद इसी का ही दूसरा पार्ट है कैनल्स ऑफ स्क्लैम,
कैनाल्स ऑफ स्क्लैम में वीनस पैसेजेस होते हैं जिससे कि फ्लूड जो है वो ड्रेन होता है। कॉर्निया के पीछे इकट्ठे होने वाला जो फ्लूड है वो ड्रेन होकर के वीनस पैसेज से निकल रहा है, इसी को अपन कैनाल्स ऑफ स्क्लैम कह रहे हैं। ये स्क्लेरा में लोकेटेड होता है, उस जगह पर जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में मिल रहे हैं। स्क्लेरा कॉर्निया जिस जगह पर मिल रहे होते हैं, स्क्लेरा में कॉर्निया एक स्ट्रक्चर है, तो कॉर्निया जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ से आपको स्क्लेरा दिखाई दे रहा है, उस जगह पर ये कैनाल्स ऑफ स्क्लैम पाया जाता है। नेक्स्ट स्क्लेरा के थर्ड स्ट्रक्चर कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा जो है एक थिन, हमने कॉर्निया के लिए थिक बोला था, कंजंक्टाइवा एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आईबॉल को कवर किए रहती है। थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन आईबॉल को कवर करने वाली को अपन कंजंक्टाइवा कहते हैं। तो स्क्लेरा हो गई, सेकंड लेयर है इसकी कोरॉइड लेयर। आई की सेकंड लेयर का नाम है कोरॉइड लेयर। ये आई की मिडल लेयर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है जो आई तक पहुंच रही है, और इसमें डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि आई को लाइट के रिफ्लेक्शन से बचाने का काम करते हैं। आई को लाइट के रिफ्लेक्शन से बचाते हैं, इस तरह के डार्क कलर के पिगमेंट्स इस कोरॉइड लेयर के अंदर पाए जाते हैं। ये आई की मिडल लेयर होती है और ब्लड वेसल की सप्लाई इसमें बहुत होती है। अब इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी इंट्रिंसिक मसल, स्मूथ मसल फाइबर्स जो सपोर्ट करें और मॉडिफाई लेंस शेप का। एक तो इसमें इंट्रिंसिक मसल्स हैं सिलियरी बॉडी में, एक है स्मूथ मसल फाइबर्स को सपोर्ट, इंट्रिंसिक मसल और स्मूथ मसल फाइबर को सपोर्ट करने का काम कर रही है, और ये लेंस की शेप को मॉडिफाई करने में हेल्पफुल होती है। सिलियरी बॉडी क्या खासियत है? ये इंट्रिंसिक मसल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स को सपोर्ट करती है और ये लेंस के शेप को मॉडिफाई करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आयरिस। आयरिस आई का कलर्ड पोर्शन होता है जो कि सर्कुलरी और रेडियली अरेंज स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। आई का कलर्ड पोर्शन जो कि सर्कुलरली और रेडियली अरेंज्ड स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है, ये लाइट जो आपके आई के अंदर एंटर कर रही है उसके अमाउंट को ये रेगुलेट करता है कि भाई कितनी लाइट पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट अगर पहुंच रही होती है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो ये रेगुलेट करता है कि कितने अमाउंट की लाइट आपके आई के अंदर एंटर करेगी। कैसे रेगुलेट करता है? क्योंकि ये पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है तो पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, बहुत कम आ रही है तो डायलेट कर लेगा। ऐसा आपने देखा है कि कई बार आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही, आप आँख फाड़ करके देख रहे होते हो या आँखों को छोटी करके देख रहे हो, तो जब बहुत तेज़ रोशनी आ रही होती है तो ये जो छोटी और बड़ी करने का काम होता है वो आयरिस का होता है। पिपल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करती है ताकि लाइट के अमाउंट को, जो एंटरिंग लाइट है उसके अमाउंट को ये रेगुलेट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्यूपल। प्यूपल एक राउंडेड ओपनिंग है आयरिस की जिससे कि लाइट पास होती है, आई की राउंडेड ओपनिंग जिससे लाइट पास हो रही है। अब थर्ड लेयर जो आपके आई की जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज रेटिना। रेटिना आपके आई की इनर मोस्ट लेयर होती है। इसकी क्या खासियत है? इट लाइन्स इट्स सरफेस एंड कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स। ये सरफेस को लाइन किए रखती है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं। फोटो रिसेप्टर्स वो सेल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं लाइट को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने के। रेटिना में ऐसी सेल्स पाई जाती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि लाइट को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं, और वो सेल्स हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड्स और कोन्स दो ऐसी सेल्स होती हैं जो आपको कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं। अब इसी के ही पार्ट्स को अपन देखें भाई, आई के यही पार्ट्स जो हमने बोले रॉड्स, जो कि सिलेंड्रिकल फोटो रिसेप्टर्स है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये आपके रेटिना के किनारे पर पाए जा रहे होते हैं। रेटिना के किनारे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में फोटो रिसेप्टर सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं। सबसे कॉमन रिसेप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सबसे कॉमन रिसेप्टर होता है, और ये हमारे को लो डिम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे को पेरिफेरल रीजन प्रोवाइड करते हैं। हम किनारे से भी आंखें देख सकते हैं, आपके आसपास भी कोई खड़ा होता है तो आप बिना गर्दन घुमाए देख सकते हो। तो पेरिफेरल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हैं ये रॉड्स होती है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप की फोटोसेप्टर्स होती हैं। दूसरी
उसके अलावा ये क्या करती है, ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रॉड्स जो होते हैं वो आपके ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी हैं कोन्स। कोन्स कॉनिकल शेप की, नाम से पता चल रहा है, रॉड्स नाम से पता चल रही थी, सिलेंड्रिकल छड़नुमा, रॉड्स का मतलब ये छड़नुमा शेप, सिलेंड्रिकल शेप। कॉन्स कॉनिकल शेप की फोटोरिसेप्टर्स होती हैं जो कि ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन में पाई जाती है रेटिना के सेंटर में। वो तो पाई जाती है रेटिना किनारे पर, इसलिए वो पेरिफेरल विजन दे रही थी। ये पाई जाती है रेटिना के सेंटर में ज़्यादा कंसंट्रेशन में। और तीन वैरायटीज़ के कॉन्स जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं जनरली, और वो हर एक जो है सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर वेव लेंथ, लाइट की पर्टिकुलर वेव लेंथ के लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने कहा ना पर्टिकुलर वेव लेंथ, तो वेव लेंथ किसके बेसिस पर, कलर के बेसिस पर ही तो होती हैं, तो लाइट की पर्टिकुलर वेव लेंथ के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। जैसे ब्लू कलर की लाइट आएगी उसकी वेवलेंथ अलग है, ग्रीन के अलग है, रेड के अलग है, तो वो वेवलेंथ के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करता है कि जो आपको जो भी इमेज दिखाई दे रही है वो कौन से कलर की इमेज है, हरी है, नीली है, पीली है, या एक साथ तीन चार कलर उस इमेज में दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके ये कॉन्स होते हैं। ये विजुअल एक्विटी आपको अलाउ करते हैं, मतलब शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कलर ब्लाइंड आप हो जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है, आप रंगों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ऐसी कॉन्स की खासियत होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी है फोविया सेंट्रालिस। ये नाम अपन ने जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आई का वो बड़ा सा डायग्राम पढ़ा था वहाँ पर ये नाम आया था फोविया सेंट्रालिस, आप वापस से देख लीजिएगा। ये एक डिप्रेशन है या आप कह सकते हैं पिट है, दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। ये एक डिप्रेशन है या पिट है रेटिना के सेंटर में जिसमें केवल कॉन्स पाए जाते हैं और मोस्ट एक्यूट विजन ये आपको प्रोवाइड करता है और कलर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। सेंटर में है इसीलिए इसका नाम सेंट्रलिस है, फोविया सेंट्रलिस। क्या है, एक ऐसा रेटिना के सेंटर में पाए जाने वाला एक ऐसा डिप्रेशन या पिट होता है जिसमें सिर्फ कॉन्स पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एक्यूट विजन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है और ये कलर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक डिस्क, जिसको आप ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स आकर के जुड़ रही होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना पे जहाँ पे आकर के, जिस एरिया में आकर के जुड़ रही होती है, आप उसको ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, यहाँ सिर्फ नर्व जुड़ रही हैं, फोटो रिसेप्टर्स यहाँ नहीं होते, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। नेक्स्ट लेंस, ये एक फ्लेक्सिबल बाईकॉन्वेक्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लेक्सिबल बाईकॉन्वेक्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी लाइट रेज को फोकस कर रही होती है, लाइट रेज लेकर के फोकस है, दैट ब्रिंग्स रेज टू रेज ऑफ लाइट इनटू फोकस एंड प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द रेटिना। लाइट रेज जो आ रही हैं वो रेटिना पर एक जगह पर फोकस होते ताकि उसकी इमेज बन सके। वे फोकस नहीं होंगी, बिखरी हुई रहेंगी, तो इमेज कैसे बनेगी। तो लेंस का क्या काम होता है कि वो जो लाइट रेज बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आंख के अंदर आ रही है उनको एक जगह पर रेटिना पे फोकस करता है ताकि उसकी इमेज बन सकती है। और लेंस कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हमने पहले बोला कि भाई अपने शेप को चेंज करता है, बाईकॉन्वेक्स होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट हमने उस डायग्राम के अंदर देखा था, इसका क्या काम होता है, ये लेंस को अपनी जगह पर, एक जगह पर, या आप कहिए एक जगह पर होल्ड करने के काम कर रहा होता है, अपनी जगह पर होल्ड रखता है, लेंस को हिलने नहीं देता। सिलियरी बॉडी से ये जुड़ा हुआ होता है जिससे कि ये टेंशन, लेंस पर जो टेंशन एग्जर्ट हो रही होती है इसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, लेंस पर एग्जर्ट होने वाले टेंशन के अमाउंट को ये कंट्रोल कर रहा होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट सिलेरी बॉडी से जुड़ा रहता है, लेंस को अपनी जगह पे होल्ड रखता है। अब आई के अंदर फ्लूड भी पाए जा रहे होते हैं, मैंने बताया वहाँ जहाँ चैम्बर थे तो मैंने कहा यहाँ फ्लूड होते हैं, तो फ्लूड कौन से होते हैं, सबसे पहला एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूड होता है जो हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसकी शेप को मेंटेन रखता है, कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और लेंस कॉर्निया की शेप को मेंटेन करता है। ये स्मॉलर
एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में पाया जा रहा होता है। एक्वस ह्यूमर हमारे आई के एंटीरियर चैम्बर, जो कि छोटा चैम्बर है, उसके अंदर ये वाटरी फ्लूइड पाया जाता है, कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है और उसकी शेप को मेंटेन कर रहा है। दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि थिक होता है और जेल लाइक सबस्टांस होता है। विट्रस ह्यूमर थिक जेल लाइक सबस्टांस, जो कि एक लार्जेस्ट चैम्बर में, आई के लार्जेस्ट चैम्बर में पाया जा रहा होता है, और ये स्फेरिकल शेप को हेल्प्स टू होल्ड इट्स स्फेरिकल शेप। ये उसकी स्फेरिकल शेप को, आई की स्फेरिकल शेप को होल्ड रखने में हेल्पफुल होता है। ये विट्रस ह्यूमर की खासियत है। अब देखिए, ब्लड सप्लाई जो हम बोल रहे हैं, बार बार ब्लड सप्लाई हो रही है आई को, तो कैसे हो रही होती है? कैरोटिड आर्टरी जो आ रही है, कैरोटिड आर्टरी जो आई को सप्लाई कर रही है, वो कैरोटिड आर्टरी पहले ऑप्थैल्मिक आर्टरी से जुड़ेगी, क्योंकि ऑप्थैल्मिक एग्जैक्टली वो आर्टरी है जो कि आई को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ऑप्थैल्मिक आर्टरी से सिलियरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, क्योंकि जो सीलिया को देगी, सिलियरी बॉडी को देगी, वो सिलियरी आर्टरी, और जो रेटिना को प्रोवाइड करेगी वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जा रही है, और फाइनली पूरी आई को आपके ब्लड जो है वो मिल जाता है। कैरोटिड से ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक से सीलिया और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और फिर आई तक ब्लड सप्लाई हो जाती है इन दिस वे। नाउ टैपिटम देखिए, टैपिटम क्या होता है? ये इरिडिसेंट लेयर इन द आई दैट कॉजेज ग्लो इन द डार्क अपीयरेंस व्हेन लाइट शाइन्स इन। मैनी एनिमल्स हैव दिस, आपने कई बार देखा है कि जानवरों की जो आंखें होती है वो रात को चमकती है, वो टैपिटम है। वो क्यों चमकती है? क्योंकि उनके अंदर एक इरिडिसेंट लेयर पाई जा रही होती है, जिससे कि रात के समय उनकी आंखों से रोशनी निकलती है और उनकी आंखें चमकती है। ये सिर्फ एनिमल्स में होती है, और रात को घूम रहे होते हैं ना, उनको देखने में हेल्पफुल होता है। हम तो हाथ में टॉर्च लेकर के भी घूम सकते हैं, आजकल तो मोबाइल लेकर के घूम लेते हैं। एनिमल्स के पास तो बेचारों के पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं, ऐसी कोई टेक्निक है नहीं जिससे कि वो इस तरह की चीज़ें लेकर के घूमें और उनको रात को दिखाई दे जाए। तो इसलिए उनके आंख के अंदर इन बिल्ट ऐसी स्ट्रक्चर टैपिटम नाम की पाई जाती है, जो उनको देखने में हेल्पफुल होती है रात के समय पर, क्योंकि वो चमकती है, उससे लाइट रेज निकलती हैं और वो हमें भी रात को दूर से दिखाई देते हैं। बस इसके बाद आपकी आई की एनाटॉमी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनाटॉमी ख़त्म होने के बाद हम आई की जो है वो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कोई टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ ऐसा पूछा हुआ है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो आप मुझे बताइए। अपने मेल के थ्रू आप मेरे को अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँगी। तो हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।